वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा एक खास में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। उत्तराखंड में यात्रा सीजन करीब है, ऐसे वक्त में उत्तराखंड सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर एक कड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों का सख्ती के साथ वेरिफिकेशन होगा। राज्य सरकार की कोशिश होगी कि ऐसे व्यक्ति का राज्य में प्रवेश रोकें जिससे अशांति उपद्रव फैलने की आशंका हो। साथ ही सरकार मिल रही शिकायतों के आधार पर इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन भी कराएगी। सरकार के इस कदम की आखिर कितनी जरूरत है, कितनी सुरक्षित होगी इससे चारधाम की यात्रा, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन इससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने यात्रियों का कड़ाई से सत्यापन करने का फैसला लिया है। सरकार का यह मानना है कि चारधाम यात्रा में कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर किसी तरह का उपद्रव ना करे, इसके लिए हर यात्री के बारे में छानबीन जरूरी है। और ऐसे समय में जब असामाजिक तत्व देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और लोगों को उपद्रव के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। दरअसल बीते दिनों संतों ने ये मांग की थी कि चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश में रोक लगाई जाए। सरकार ने इस मांग के आधार पर यह फैसला लिया है कि वह प्रदेश में आने वाली सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सत्यापन की व्यवस्था करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि सत्यापन की यह व्यवस्था किसी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नहीं की गई है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरी यात्रा सीजन को बेहतर, सुरक्षित और सहज बनाना है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह प्रदेश में अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है। यहाँ की आबोहवा शांत है लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से उत्तराखंड एक आदर्श जगह मानी गई है। लेकिन इस तरह की आशंका भी बनी रही है कि कुछ देश विरोधी तत्व इस राज्य को भी अशांत करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसे में सरकार पूरी तरह चौकस दिखना चाहती है। सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का सत्यापन ड्राइव भी कराएगी। राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में शांति बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का उन्माद और शांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसीलिए हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार जिन लोगों का सत्यापन ठीक तरह से नहीं हुआ उनका सत्यापन करेगी। उत्तराखंड सैन्य परंपरा का राज्य है। उत्तराखंड में अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है और इसीलिए हर तरह से इसकी सुरक्षा का माहौल बना रहना चाहिए। धार्मिक उन्माद, देश विरोधी हरकतें, दंगा फसाद, उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों पर सरकार का कड़ा रुख रहेगा और राज्य सरकार ने इसी के संकेत भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया है। मंशा सिर्फ एक ही है कि चारधाम यात्रा सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए और चर्चा भी हमारी इसी पर ही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारफ उनसे आप सभी का करवा देते हैं। रविंद्र आनंद सिंह प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और इसी के साथ ही इंद्रेश कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर ब्रजेश सती प्रवक्ता है चारधाम बद्री केदार समिति के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले डॉक्टर ब्रजेश सती जी, आप ही का रुख करती हूँ, क्योंकि शंकराचार्य परिषद की तरफ से ये मांग की गई थी कि चारधाम यात्रा में इस तरीके से फैसला लिया जाए कि एक समुदाय विशेष के वर्ग को, हालांकि उसको देखते हुए फैसला लिया जाए, लेकिन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वेरिफिकेशन को अब ये वेरिफिकेशन के लिए मंजूरी दी गई सरकार की तरफ से। कोशिश यही है कि चारधाम यात्रा को सकुशल तरीके से संपन्न कराया जाए। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि संतों की तरफ से ही मांग सबसे पहले की गई थी। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो केवल अपनी ही बात नहीं करता, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता है। और श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाव भवेत्। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म जो है,
वो चाहे छोटा पुजारी है, बड़ा पुजारी है, सामान्य व्यक्ति है, गृहिणी महिला है, वो सुबह और सायंकालीन संध्याकालीन जो पूजा अर्चना होती है उसमें और मंत्रों के साथ इसका उच्चारण प्रत्येक घर में, प्रत्येक पूजा अनुष्ठान में होता है। और हम पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं और भारत ही या सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व से इसको अलग करता है। हम केवल पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। अब बात आती है कि अलग धर्म के किसी भी धर्मी व्यक्ति का जो है हमारे इन पवित्र तीर्थ स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति एक्ट 1939 में बना था, और यह एक्ट उस समय बना था जब ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर थी, और उन्हीं के देख रेख में श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति एक्ट बना, और उसी के इसी यही समिति जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के अलावा 45 अन्य प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों का संचालन और प्रबंधन करती है। बीच का जो 2 साल का दौर रहा जब सरकार ने देवस्थानम अधिनियम के तहत देवस्थानम बोर्ड बनाया था, उस दो साल के दौरान केवल देवस्थानम बोर्ड ने इन मंदिरों का प्रबंधन और संचालन किया, नहीं तो 80 सालों तक यही मंदिर समिति करती थी। और उस एक्ट में जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक्ट बना था उसमें साफ तौर से उल्लेख किया गया है कि यहाँ कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति एक तो रह नहीं सकता है, दूसरा उसके प्रवेश में भी यह है, और दूसरा जो है बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा मंदिर से जो है स्ट्रक्चर स्थापित नहीं हो सकता, ये साफ साफ है। अब तक यही परंपरा चली आ रही है, क्योंकि सरकार की ओर से स्टेप लिया गया है, जिस तरह से समय पूरे देश भर में माहौल चल रहा है, हमारे जो है धार्मिक जुलूस पर उस पर जिस तरह से सुनियोजित तरीके से आक्रमण हो रहा है, तो सरकार की ओर से जो स्टेप उठाया गया है इससे सकुशल तरीके से चारधाम यात्रा संपन्न हो जाएगी, कोई व्यवधान नहीं पैदा होगी। नहीं देखिए, व्यवधान कौन उत्पन्न कर रहा है, व्यवधान तो कोई उत्पन्न नहीं कर रहा है। देखिए हमारा तो यह ऐसा शांति प्रिय स्थान है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था और पांडवों ने जो है कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ हमारे उत्तराखंड में आए थे, तो उनको इतना शांति प्रिय स्थान ये लगा कि उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र ठीक है आपने अपनी बात रख दी जी। मैं आगे भी रुक करूंगी आपका, और गेस्ट है हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं, एक एक रिएक्शन पहले ओपनिंग रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों का वेरिफिकेशन होगा, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए सरकार है, सरकार का निर्णय है, सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, तीन तीन जगह सरकार चला रहे हैं, तीनों राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, तमाम लोग लाखों लोग विश्व से चारधाम यात्रा पर आते हैं। अगर सरकार उनका सत्यापन कर रही है कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, क्या स्थिति है, सुरक्षा के दृश्य करती है या अन्य दृश्य करती है, तो उसमें हमारी क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, वैसे अभी सती जी ने कहा फैसले का स्वागत करती है। मंदिरों का हमारे यहाँ अलग एक्ट बना है, मंदिरों का हमारा अलग एक्ट है, चार धाम मंदिर जो हमारा बद्री केदार मंदिर समिति है 1939 का एक्ट है, 1939 का 80 साल से वो एक्ट चल रहा है। हालांकि भाजपा जैसी सरकार ने जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है उसने धार्मिक भावनाओं पर भी कुठाराघात कर एक अलग से चारधाम जो एक अलग से देवस्थानम बोर्ड बना दिया, लेकिन भाजपा कर सकती है उस काम को, भाजपा बना भी सकती है, क्योंकि भाजपा को तो सब माफ है, भाजपा को कोई कुछ नहीं कहेंगे। अगर कांग्रेस हल्का सा कुछ करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की के कपड़े भी फाड़े जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं की भी तमाम तरीके के सवाल और जवाब हमको हमसे पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने साफ कहा कि ये सरकार की इच्छा शक्ति पर है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सरकार के कार्य क्षेत्र में। वैसे मंदिरों में हस्तक्षेप सरकार न करे तो अच्छी बात है, जो हमारे मंदिर समिति के एक्ट हैं, जो जिस तरीके से मंदिर समिति के हर मंदिर हर प्रदेश में, चाहे तिरुपति का हो, चाहे वैष्णो देवी का हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का एक्ट हो, अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ हैं, उनसे अगर चले तो अच्छी बात है। और वैसे सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अगर सरकार निर्णय कर रही है तो ठीक है, सरकार ये भी करके देख ले कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है,
बहुत ज्यादा खतरा अगर है तो निश्चित रूप से सरकार कर सकती है, सरकार को अधिकार है करने का। नहीं, सरकार लेकिन ने तो, अभी तक सरकार ने तो मथुरा दत्त जोशी जी वो किया ही है, फैसला लिया ही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस इस पर क्या सोच रही है, क्या ये फैसला सही है, कांग्रेस स्वागत करती है इस फैसले का? नहीं नहीं, सरकार के फैसले सही और गलत का सवाल, जब फैसला सामने आएगा तब उसमें कुछ बात कही जाएगी। अभी तो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम ये काम करेंगे, कहाँ जीओ आया है, उसका कोई जीओ निकलेगा, उसमें कोई अमल होगा, अधिकारी उसमें काम करेंगे। और अगर मैंने कहा ना, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सरकार कुछ भी कर सकती है, स्वतंत्र है सरकार करने के लिए, लेकिन मंदिरों के में हस्तक्षेप करना और मंदिर एक्ट का वायलेशन करना या मंदिर एक्ट में ये बातें नहीं है तो वो अलग बात है, अपना कोई एक्ट लाती है। चारधाम जैसे देवस्थान बोर्ड बना दिया सरकार ने, मजबूरी में वापस लेना पड़ा सरकार को, झुकना पड़ा तीर्थ पुरोहितों के सामने, हक हकूक धारियों के सामने झुकना पड़ा, वो तो उनके पास अधिकार है, वो बनाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बनाने में क्या दिक्कत है। हम तो कह रहे बना के दिखाई ना, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, हमारी शुभकामनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात कही है उस बात को पूरा करें, अधिकार है उनको, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ बातें डॉक्टर सती ने कही है कि मंदिर कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या है, ये जो धार्मिक लोग हैं, रावल जो हमारे हैं, चारों धाम में रावल होते हैं, पुजारी होते हैं हमारे, उनमें अलग अलग है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में, वो किसको आने देते हैं, नहीं आने देते हैं, किसमें प्रवेश की अनुमति देते हैं, आप कई जगह सबके अपने एक्ट हैं, चाहे आप वैष्णो देवी का देख लीजिए, तिरुपति का देख लीजिए, आप बनारस का देख लीजिए, अपने अपने एक्ट हैं, अपने अपने तरीके से मंदिर चलते हैं, अपने अपने नियम हैं उनके, कौन आएगा कौन जाएगा, इसमें मैं समझता हूँ सरकार को। और सबसे बड़ी बात यह है, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार खुद कह रही कि घपला हो सकता है, सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का कहाँ का तंत्र है, सरकार चला रहे हैं आप, अगर सरकार चला रहे हैं तो व्यवस्थाएं करने का अधिकार आपका है, आपका उत्तरदायित्व तो है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप निर्विघ्न चारधाम यात्रा कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप रोक सकते हैं, आप रोकिए, आप इस तरह की भाषणबाजी करके या तमाम तरीके की बातें करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? ठीक है जी, आप एक तरफ तो चारधाम यात्रा बिल्कुल सुगम और सरल चारधाम यात्रा की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, मथुरा दत्त जोशी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा लौटूंगी और भी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। रविंद्र आनंद सिंह जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर? उत्तराखंड जो यात्री आएंगे, वेरिफिकेशन होगा, हालांकि मथुरा दत्त जोशी जी को आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसला लिया गया सब कुछ ठीक है तो ठीक है, सरकार के हाथ में है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर क्या सोच रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का इस पर ये स्पष्ट कहना है कि जहां तक सिर्फ वेरिफिकेशन की बात है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, जरूर होना चाहिए, लेकिन अब इसमें एक चीज ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने ये जो फैसला लेने का मन बनाया है इसके पीछे मंशा क्या है, ये थोड़ा सा हमें जरूर समझना चाहिए कि क्या सरकार इससे डर रही है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ सकते हैं कि जिनसे माहौल बिगड़ जाए, या फिर सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, इस समय पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं बार बार कहूंगा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, देखिए ये देश जो है संविधान पे चल रहा है, संविधान ही पर चलना चाहिए, और संविधान में ये स्पष्ट तौर से लिखा है कि यह सभी जाति धर्म, चाहे सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैनी हो, मुस्लिम हो, सबको अधिकार है, सबको समान अधिकार प्राप्त है, और इसमें कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि जो आजकल की जो राजनीति है बहुत ही दुख का विषय है। देखिए, किसकी गलती है ये एक अलग बात है, ये जांच का विषय है, लेकिन हमें हमेशा मन में सद्भावना रखनी चाहिए। सनातन धर्म को मानने के नाते मैं इस बात को मानता हूं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुरातन है और सभी धर्मों का शेल्टर है, हम शरण देने वाले हैं,
हम सबको शरण देते आए हैं, हमारे गुरुओं ने सबको शरण दी है जी। हमारे ऋषि मुनियों ने सबको आशीर्वाद दिए हैं, तो हमें भी ऐसी ही सद्भावना के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और किसी के प्रति मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, नवीन ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका भी। आप चर्चा इसी को लेकर कि जो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो भी लोग वहां आएंगे चारधाम यात्रा में वेरिफिकेशन किया जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने रिएक्शन उन सभी ने दिए हैं, लेकिन सवाल सीधा यही है सर कि एकाएक इस फैसले की क्या जरूरत पड़ गई, क्या इसका उद्देश्य है, और अगर वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है तो फिर उसकी तैयारी क्या है, क्योंकि 3 मई से तो शुरुआत हो रही है चारधाम यात्रा की। नहीं, देखिए सरकार की पूरी तैयारी है, और रही बात जरूरत की, तो आप देखिए हम एक किराएदार भी रखते हैं तो आज उसका भी वेरिफिकेशन कराते हैं। तो अगर बाहर से लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार का जो रविंद्र आनंद जी बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे तुष्टिकरण का, इनकी खुद की पार्टी तुष्टिकरण करती है, इसीलिए उनका ध्यान उधर जाता है। आम आदमी पार्टी का हाल देख लीजिए दिल्ली में, वो आशु शेख जो पकड़ा गया, आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं, नवीन जी उस पे मत जाइए। सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा है, नहीं, इस तरीके के बयानबाजी उन्होंने नहीं की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है इस बात को कि अगर इससे सुरक्षा अच्छी होती है, अगर इससे चारधाम यात्रा में कोई व्यवधान नहीं होता है तो अच्छा है कि सरकार करे तो सही। इस पर नहीं 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 कोई राजनीति की बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने क्यों नहीं टोका उस वक्त, ये सब मर्जी जाए, ये भाजपा जो मेरे झूठे आरोप लगाए। नहीं नहीं नवीन जी, सीधा नहीं नहीं, मैंने आपसे सीधा नहीं नहीं मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि वेरिफिकेशन होगा चारधाम यात्रा में जो लोग पहुंचेंगे, नहीं उनका एक इस फैसले की जरूरत क्या पड़ी और तैयारी सरकार की क्या है इसको लेकर, ये सीधा जवाब दीजिए ना। नहीं नवीन जी नहीं, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कोई तुष्टिकरण नहीं 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 आप केवल जवाब दे रहे हो तो आप कहना चाहिए। नवीन जी मेरी बात सुनिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। नवीन जी मेरी बात सुनिए, नवीन जी मेरी बात सुनिए, नवीन जी बात सुनिए मेरी। दिल्ली दंगों का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सबसे पहले एक सवाल कर दीजिए ना, मैं दिल्ली दंगों में इनके विधायक हैं, दिल्ली के दंगों में इनके विधायक हैं। पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो रही है, उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि चारधाम यात्रा में जो लोग आएंगे वेरिफिकेशन उनका होगा, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी, क्योंकि समय तो बहुत कम है। नहीं नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, इसको लेकर भी मैं जवाब दे रहा था, लेकिन जब वो बोल रहे थे तब आपने एक बार नहीं टोका। नहीं, मैं जब वो भारतीय जनता पार्टी में झूठे आरोप लगा रहे थे, जब वो दिल्ली में जा रहे थे, आपने नहीं टोका। झूठे आरोप नहीं है, आप गुंडे पालते हैं, आपकी पार्टी गुंडों से चलती है, ये पूरा विश्व जानता है। अब आप दिल्ली चले जाएंगे, आप जानते हैं, आप लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया में चल रहा है, बोला कि अपनी बात पूरी करिएगा, उसके बाद जिक्र करें, आप बताइए ना दर्शकों को कि सरकार की तैयारी क्या है। ये बोखला गए नवीन जी मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सबसे पहले यही सवाल किया है कि उत्तराखंड में जो लोग आएंगे वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है, एकाएक इस फैसले की जरूरत क्या पड़ गई, क्या मंशा सरकार की है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या तैयारी है इसकी, क्योंकि समय तो देखिए बहुत कम है। जरूरत नहीं पड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन भावनाओं के जनता के द्वारा चुनी गई है, जो जनता की भावना है, जन भावना है, उनके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, इस प्रदेश में आने वाले अवांछित तत्वों का वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्या हमारी जो है यात्राएं हैं जो
हिंदू धार्मिक यात्रा है, क्या उनको सुरक्षित नहीं बनाना चाहिए? क्या कोई गुंडा बदमाश कोई भी किसी प्रदेश से आए, जैसे दिल्ली में घुस जाता है ताहिर हुसैन जैसे दो दो कौड़ी के गुंडे, और आम आदमी पार्टी उन्हें संरक्षण देती है? ऐसा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। हम जो है अपनी यात्राओं को, चार धाम की यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे और कोई भी अवांछित तत्व जो है उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग केवल उसमें जाति धर्म का, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अवांछित मतलब अवांछित, सबका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में दिक्कत क्या है? ठीक है, नहीं दिक्कत किसी ने नहीं उठाई नवीन जी। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। जरा इंद्रेश कोहली जी का भी रुक कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इंद्रेश कोहली जी। देखिए, सभी का रिएक्शन आपने सुन लिया और तमाम बातों को आपने सुना, लेकिन मैं सीधे तौर पर आपसे यही जानना चाहती हूँ, इस फैसले को कैसे आप देख रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका आपको समझ में आता है? देखिए, धार्मिक स्थल पे जो ये बात आई है कि वेरिफिकेशन होने के बाद वहां पर लोगों को जाने दिया जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। क्या ये इस बात की जांच की जाएगी कि जो आदमी दर्शन करने जा रहा है उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, ये देखा जाएगा? या वो अपने साथ हथियार ले जा रहा है, ये देखा जाएगा? क्या है, कैसे देखा जाएगा? अब कोई धार्मिक यात्रा चल रही है उसमें क्या आप उसके पुलिस वेरिफिकेशन के मुकदमे की जाँच कराएंगे या क्या रिपोर्ट होगी, इस बात का जिक्र होना चाहिए। अन्यथा तो जहाँ से वो जा रहा है यात्री, वो यात्री या वो संदिग्ध व्यक्ति अगर हम कहें आप मानते हैं उसको, तो उसकी जांच कैसे हो रही है? मेटल डिटेक्टर से गुजर रहा है, उसके बैग में कुछ तो नहीं है, उसके कपड़ों में कुछ छिपाया तो नहीं है। इसके अलावा आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आ रहे लोगों को का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा अव्यवहारिक वो हो जाएगा कि इसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके मन में आएगा कि यार हम लोग कैसे जाएं यहाँ पर, कहीं ऐसी मुश्किल ना आ जाए। पूरे साल भर जो इंतजार करते हैं दुकानदार या क्षेत्र के लोग यात्रा की, वो ऐसे अव्यवहारिक जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे उनके ऊपर ना मुश्किल आ जाए। राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहती है, ठीक है, हमारे चार धाम की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी है, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यात्रियों को, जो श्रद्धा से यात्री आ रहे हैं उनको दिक्कत ना आए, और जो सुरक्षा बल या सरकार अपना काम करती है वो काम होने चाहिए, सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। अब इसको इसमें क्लैरिटी मतलब खुल के होना चाहिए कि आप उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके क्या पुलिस रिपोर्ट अपने थाने से लेकर के आएगा कि मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है या उसकी तलाशी ली जा रही है, वो सब चीजें हैं, ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। अब ऐसे ये बात एक जारी कर देना तो एक अजीब सा संदेश जाएगा यात्रियों में जो यहाँ आने वाले हैं प्रदेश से बाहर से, तो उससे आम लोगों को परेशानी होगी, यात्रियों को जो धार्मिक भावना से आ रहे हैं उनको दिक्कत होगी, बाकी जिसने जो करना है वो तो उस उद्देश्य से या उस भावना तो हम नहीं कहेंगे, नेगेटिव वाली बात है, तो वो करने के लिए मंशा से किसी मंशा से आ सकता है, उस पर रोक लगानी जरूरी है। वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होगा वेरिफिकेशन का, जो सरकार कह रही है कि यात्रियों की का वेरिफिकेशन होगा, श्रद्धालु आएंगे, जो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, आप इस बात को खुद भी समझ रहे हो। बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि ये है ये प्रक्रिया, अब जो अब बात कही जा रही सरकार की तरफ से, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा कैसे होगा इस बात को आप उठा रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सरकार का जो फैसला है, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन अगर सरकार ये समझती है कि कुछ लोग पर्यटन के बहाने राज्य में आकर उपद्रव हिंसा फैला सकते हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ा सकते हैं, तो उन पर नजर रखी जानी चाहिए, वाकई में नजर रखी जानी चाहिए। लेकिन वेरिफिकेशन से राज्य सरकार के पास हर आने वाले व्यक्ति का समुचित डाटा होगा, और साथ ही राज्य सरकार को अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़े स्तर पर मुहिम चलानी चाहिए। और जिस तरीके से आपने मेहमानों को सुना, सबकी अलग अलग राय थी, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यात्री आएंगे उनसे इस फैसले से, हालांकि इस प्रक्रिया से उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इस प्रक्रिया को सरल भी बनाना होगा और एक अलग और अच्छा संदेश देना भी होगा, जिससे चारधाम यात्रा में जो लोग आए, यात्री जो यात्रा के लिए पहुंचे, उनमें एक अच्छा और बेहतर संदेश जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।